Dear students, so in today's class we are going to study about number system and its conversion. मतलब emerging domain in electronics engineering के अंदर ये unit number 4 है. Fourth unit जो है this is nothing but called digital electronic के नाम से. और under digital electronics, इस digital electronics topics के अंदर में हमारा जो पहला topic हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है number systems and its conversion. Okay, my name is Hari Mohan Rai. I am going to explain you about today number system and its conversion. चलिए देखते हैं इस टॉपिक्स को one by one. सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसके कुछ थ्योरेटिकल डिफिनेशंस, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं और क्या उसका तरीका होता है सॉल्व करने का, वेरी बेसिक से स्टार्ट करेंगे. तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं कि नंबर सिस्टम्स के बारे में. ओके okay? तो हम क्या करेंगे, नंबर सिस्टम्स को एक लाइन में डिफाइन करेंगे, फिर कितने नंबर टाइप के नंबर सिस्टम्स होते हैं उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे. ओके तो क्या होता है कि नंबर सिस्टम है क्या. जैसे हम जानते हैं कि नंबर सिस्टम जो होता है किसी भी काउंटिंग का बेस होता है, यानी कि वी कैन से दैट द नंबर सिस्टम इज ए बेसिस ऑफ, यानी कि नंबर सिस्टम जो होता है वो is a basis of, यानी कि या base of, you can say that basis of countings, ठीक है, यानी कि countings का ये एक base होता है, basis होता है. okay, अब countings में base या basis क्या कहलाता है. now second one is, second number system के under में जो आपके topics आएंगे वो होगा radix और base, यानी कि radix और बेस क्या होता है नंबर सिस्टम का और बेस ऑफ नंबर सिस्टम. ओके सो दिस इज अंडर दिस वन, ताकि हम लोग डिफाइन कर पाएंगे कि इसी बेस और रेडिक्स के आधार पे हम नंबर को कैटेगराइज करते हैं, यानी कि इसको हम बोलेंगे, इसको भी डिफाइन करें एक लाइन में, एक से दो लाइन में. सो दैट बेस या रेडिक्स जो होता है नंबर सिस्टम्स का क्या होता है, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स या नंबर ऑफ सिंबल्स या नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होते हैं उसमें, उसको हम लोग रेडिक्स या बेस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल बेस और रेडिक्स एक ही बात, दोनों में से कुछ भी बोला जा सकता है या दोनों में से किस कोई एक, एक नाम से हम बुलाते हैं. बेस और रेडिक्स ऑफ ए नंबर सिस्टम, एनी या एनी नंबर सिस्टम इज द नंबर ऑफ सिंबल्स, क्या होता है, इज द नंबर ऑफ बहुत नाम से बुला सकते हो आप, नंबर ऑफ सिंबल्स बोल सकते हैं आप, या ये कह सकते हैं कॉमा देके नंबर ऑफ वेरिएबल्स, उसमें कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, या डिजिट्स, डिफरेंट डिफरेंट नाम से आप कुछ भी बुला सकते हो. डिजिट्स used in its representation, used in its representation, ठीक है, इसके representation में कितने types के variables या symbols या digits use होते हैं उसके आधार पे हम लोग radix को define करते हैं. For example के लिए, for example अगर हम example लें decimal number system का, जो हम लोग डेली लाइफ में जो काउंटिंग करते हैं, डेसिमल मतलब दहाई अंक वाला, है ना, डेसिमल नंबर सिस्टम. सो इन डेसिमल नंबर सिस्टम्स क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम्स देयर आर कितने, 10 वेरिएबल्स और डिजिट्स, है ना, 10 वेरिएबल्स और 10 डिजिट्स, वी कैन से. क्या क्या वो डिजिट्स हैं, यानी कि ये डिजिट्स आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 0 से 9 तक का यूज करके आप दुनिया की कितनी भी बड़ी काउंटिंग को आप यूज कर सकते हैं, चाहे 1 मिलियन, ट्रिलियन, लाख, करोड़, हजार, जो भी है आप इसका सिर्फ 0 से 9 का यूज होगा. तो इसका मतलब है इसका टोटल कितने वेरिएबल हो गए, 0 से लेके 9 तक टोटल 10 वेरिएबल. तो हम क्या बोलेंगे, रेडिक्स या बेस इज इक्वल टू 10. तो इस तरीके से हम, यानी कि रेडिक्स या बेस को, यानी कि रेडिक्स और बेस के आधार पे जो मेन नंबर ऑफ नंबरिंग सिस्टम है उसको हम लोग यहाँ पे अब देखने जा रहे हैं. यानी कि अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो बोलेंगे हम कि टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम,
types of number system. So as per our syllabus, या कह सकते हो कि जो mainly used होता है हमारे study digital electronics में, वो होते हैं चार टाइप के. कौन कौन से, let us see here. So आप लोगों ने नाम जैसे अब decimal तो हमने देख लिया, decimal is the most famous. decimal के अलावा तीन और भी number system है. तो start करता हूं मैं, पहला decimal number system, second binary number system, third octal number system, fourth hexadecimal number system. ये चार number systems generally हैं. अब जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, यहाँ पे भी बात कर रहे हैं कि ये किसके आधार पे डिसाइड होता है, नंबर ऑफ बेसिस के, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं इन सब में. तो अगर हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बात कर लें, अब देख सकते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम में जैसा अभी थोड़ा बात किया था, वो लेके 0 से 9 तक यानी कि 10 वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि इसका जो रेडिक्स होता है वो क्या होता है, 10 होता है. और उस बाइनरी में कितना क्या वेरिएबल होता है, 0 और 1, बस सिर्फ दो ही होते हैं. इसलिए ये इसका रेडिक्स जो है वो क्या होता है, रेडिक्स इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं. ओके, सो ऑक्टल नंबर सिस्टम में नाम से पता चल रहा है, ऑक्टल मतलब 8, यानी कि यहाँ पे 0 से लेके 7 तक जाएगा. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका रेडिक्स क्या हो जाएगा, 8. 0 से 7 टोटल नंबर कितना होगा, 8. लेकिन हेक्साडेसिमल में कितना हो जाता है, 0 to 9, एंड फिर 9 के बाद ए से लेके एफ तक. तो टोटल 0 to 9 10 हो गया, और ए से एफ तक जो हो गया वो कितना हो गया, टोटल 6, यानी कि 10 और 6 16. तो ये इसका रेडिक्स जो हो गया वो हो गया 16. जनरली बाकी सब तो आप लोग इजिली कर लो, क्योंकि 0 से 9 है, कोई अलग वेरिएबल नहीं है. 0 से 1 और 0 और 1 वो दो ही है, 0 to 7 यही. लेकिन हेक्साडेसिमल में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यानी कि अगर मैं हेक्साडेसिमल के केस में बोलूं, काउंटिंग की बात करूं, तो हम लोग काउंटिंग कैसे करते हैं, काउंटिंग इन केस ऑफ और उसका कॉरस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल नंबर. ओके, तो काउंटिंग हम लोग कैसे करते हैं, देखो आप लोग 0 से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग. अगर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद अब 10 आ जाएगा, यानी कि 10. तो हम, मैं सिंपल काउंटिंग कर रहा हूँ, 10 11 12 13 14 15 and 16. मुझे टोटल 16 नंबर चाहिए, लेकिन 16 नंबर के लिए मुझे कहाँ तक, 15 तक ही जाना होगा, क्योंकि 0 से 15 कितना बन जाएगा, टोटल 16 नंबर. अगर 0 से मैं काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ, तो 15 तक अगर मैं जाऊंगा, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 16. अब हेक्साडेसिमल में स्टार्ट करते हैं. तो हेक्साडेसिमल में जब हम काउंटिंग शुरू करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 0 के लिए 0 ही होगा, 1 2 3 4, कोई चेंज नहीं हो रहा. देखिए 6 7 8 9 तक कोई चेंज नहीं है. लेकिन 10 के लिए मुझे रिप्रेजेंट, क्योंकि ये अलग वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे 10 मतलब 1 और 0 रिपीट हो रहा है, 11 1 और 1 रिपीट हो रहा है, तो ये 9 ही अलग अलग रिपीट हो रहा है. तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग नंबर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं A B C D E F, यानी कि 9 के बाद 10, A 10 को रिप्रेजेंट करता है, B 11 को रिप्रेजेंट करता है, C 12 को रिप्रेजेंट करता है, D 13 को, E 14 को एंड F 15 को. सो ये है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स का. तो यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर में टोटल वेरिएबल कितने हो गए, 16, यानी कि रेडिक्स इसका जो है वो 16 है, जिसे H से डोंट करते हैं. तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ सिस्टम्स. अब जनरली है क्या कि ये जो चारों नंबर सिस्टम्स है जो हमें पढ़ने हैं, उनको आपस में हमें कन्वर्जन सीखना, यानी कि किसी एक नंबर सिस्टम में अगर कुछ दिया हुआ है, तो हम उसके दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो यानी कि यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं नंबर कन्वर्जन सिस्टम, नंबर कन्वर्जन, नंबर कन्वर्जन सिस्टम, नंबर कन्वर्जन सिस्टम. यानी कि बाइनरी या जो भी नंबर है हमारा नंबर सिस्टम्स का, या इसको ऐसे देख सकते हैं, नंबर सिस्टम कन्वर्जन. सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड नंबर सिस्टम कन्वर्जन. लेट अस सी हियर. तो नंबर सिस्टम कन्वर्जन में क्या हो सकता है, आई मीन जस्ट गेस.
सो नंबर सिस्टम कन्वर्जन के अंदर में ये आ सकता है, नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स। कोई भी नंबर, इसका मतलब ये है कोई भी नंबर सिस्टम किसी दूसरे नंबर सिस्टम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं, अगर डेसिमल नंबर सिस्टम है तो डेसिमल नंबर सिस्टम बाकी तीनों में कन्वर्ट होता है, यानी कि डेसिमल से रिमेनिंग थ्री में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उस तरीके से बाइनरी से भी रिमेनिंग थ्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल से भी हम रिमेनिंग थ्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हेक्साडेसिमल से, यानी कि एच हेक्साडेसिमल से भी रिमेनिंग थ्री में कर सकते हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना हो गया, 3+3+3+3, यानी कि 12। लेकिन हम इस 12 के नंबर सिस्टम्स को भी हम कोशिश करेंगे कि इसको मिनिमाइज करके कुछ ही 5-6 में ही कन्वर्ट करके आपको दिखाएं, और उसमें सिर्फ दो नंबर सिस्टम्स आपको मेनली ध्यान पे रखना है। ओके, लेट अस सी कि क्या ये दो नंबर सिस्टम कन्वर्जन है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट वन इज, यहाँ पे मैं जो कन्वर्जन सिस्टम स्टार्ट करने जा रहा हूं, ये हम इसमें जा रहे हैं किसी भी से, यानी कि डेसिमल से ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम, यानी कि डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम्स में आपको कन्वर्ट करना है तो ये एक ही टेक्निक अप्लाई करनी होगी। ओके, सो व्हाट इज दैट, एक लाइन में मैं जस्ट इसको लिख दे रहा हूँ, ऐसे कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी क्या करना है मुझे, जस्ट आपको रेडिक्स से डिवाइड करना है। द डिवाइड यहाँ पर लिख दीजिए, लॉन्ग डिविजन मेथड लिख, अप्लाई कर दो यहाँ पर, अप्लाई लॉन्ग डिविजन मेथड, अप्लाई लॉन्ग डिविजन मेथड किसमें लगाना है, लॉन्ग डिविजन मेथड टू द गिवन नंबर बाय द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम विच वी वॉन्ट टू कन्वर्ट। नाउ द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम which we want to convert, just a minute, number system which required to be converted। एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, यानी कि लॉन्ग डिविजन मेथड अप्लाई करना है, जो भी गिवन नंबर है, डेसिमल तो गिवन नंबर हो गया, यानी कि इसका बेस 10 रहेगा, और अगर किसी और में कन्वर्ट कर जाए तो लॉन्ग डिविजन मेथड हम अप्लाई कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला इसके अंदर में, फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट इस नंबर सिस्टम कन्वर्जन के अंदर में पहला क्या हो जाएगा, फर्स्ट कि डेसिमल टू बाइनरी। तो भाई सिंपल से, डेसिमल का बेस क्या है 10, बाइनरी का बेस क्या है 2, तो हमें क्या करना है कि लॉन्ग डिविजन मेथड अप्लाई करना है टू द गिवन नंबर, यानी कि टू द गिवन नंबर, यहाँ पे मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो, द गिवन नंबर बाय द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम रिक्वायर्ड टू बी कन्वर्टेड। किसमें हमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। किससे करना है, डेसिमल से। तो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि लॉन्ग डिविजन मेथड अप्लाई करेंगे, और उसके लिए हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर ए। वट इज दैट एग्जाम्पल नंबर ए, द एग्जाम्पल नंबर जस्ट वी आर टेकिंग एट, मान लेते हैं कि कोई एक नंबर सिस्टम्स है जो कि डेसिमल से मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो लेट अस सी, दिस नंबर इज 18.18 base 10। किसमें कन्वर्ट करना है मुझे, बाइनरी नंबर सिस्टम में। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, 2। तो 2, अब ये जो गिवन नंबर सिस्टम है इसके रियल पार्ट को, इस दो पार्ट में देखो सॉल्व करेंगे, दो पार्ट में इसके रियल पार्ट को हम डिवाइड करेंगे 2 से, और फ्रैक्शन वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। तो लॉन्ग डिविजन मेथड टू द गिवन नंबर, ब्रैकेट में यहां पे डाल देंगे रियल पार्ट, यानी कि रियल पार्ट ऑफ द, और इमेजिनरी पार्ट मतलब फ्रैक्शन पार्ट को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लेट अस सी, फर्स्ट इस पार्ट को देखते हैं। तो ये जो 18 है सॉल्यूशन के तौर पे, ये जो पहला इसका जो रियल पार्ट है, यानी कि 18 को हम लॉन्ग डिविजन मेथड अप्लाई करेंगे
बेस टू से, और जो इसका रिमाइंडर आएगा उसको हम यहां पे लिखेंगे, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं रिमाइंडर। ओके, सो इस टू को डिवाइड करेंगे किससे, 18 को डिवाइड करेंगे टू से, तो कितने टाइम्स में जाएगा, 9 टाइम्स में, और 9 टाइम्स में जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितने टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स में, और रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में, और रिमाइंडर बचेगा 0। और सबसे लास्ट में फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, ये 1 टाइम्स में, और रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे, 0। ओके, सो दिस इज, सो नाउ द रियल पार्ट का जो कन्वर्जन हुआ वो यहाँ पे बॉटम से लेके टॉप तक चले जाइए जो भी नंबर है, यानी कि 10010, ये मतलब 18 के लिए 18 का कॉरस्पॉन्डिंग जो बाइनरी मिल गया मुझे वो हो गया 10010। अब आते हैं फ्रैक्शन पार्ट के लिए, यानी कि फ्रैक्शन पार्ट, ये तो हो गया रियल पार्ट। तो फ्रैक्शन पार्ट में क्या करेंगे, तो जो गिवन फ्रैक्शन पार्ट है 0.18 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, अब 2 से, तो उल्टा हो जाता है, यानी कि डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करेंगे रियल पार्ट के लिए, फ्रैक्शन पार्ट के लिए हम उसको पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पार्ट में आएगा, यानी कि इस तरीके से 0.18 × 2 करेंगे 0.36, तो 0. यानी कि इसको 2 पार्ट, ये फ्रैक्शन और ये रियल, यहां भी रखेंगे रियल एंड फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन जो होगा उसको बार बार मल्टीप्लाई करते जाना है, फिर इसमें क्या करेंगे 0.36 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा आपका 0.72। अब इस 0.72 को ये जो है फिर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 0.72 × 2, कितना हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग 0.72 × 2 = 1.44। तो इस तरीके से अब लेकिन कितना मल्टीप्लाई करेंगे, तो करीब करीब 3 से 4 पॉइंट तक हमें मल्टीप्लाई करना है, ताकि पॉइंट के बाद 3 से 4 डिजिट हमें मिल जाए। अब ये 0.44 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और आ जाएगा 0.88। तो अब अगर आप इसको देखें तो जो रियल पार्ट आ रहे हैं, रियल पार्ट यानी कि टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की साइड में, इस तरीके से इसको हमें एज इट इज लिख देना है, यानी कि 0010। तो यहाँ पे क्या आ गया 0010, यानी कि अगर डेसिमल सू बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना है मुझे, 2 से रियल पार्ट को डिवाइड कर देंगे। अगर उसमें फ्रैक्शन पार्ट है तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर लेंगे फ्रैक्शन इंटू बेस, यानी कि कह सकते हैं फ्रैक्शन को इंटू बेस के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मिलेगा रियल एंड फ्रैक्शन। रियल पार्ट को रख लेंगे, फ्रैक्शन पार्ट जो है वो हमेशा मल्टीप्लाई होते जाएगा। ओके, दिस इज क्लियर। अब आते हैं इसी के केस में, यानी कि अब आपको समझ में आ गया कि किसी भी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम को किसी में भी कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते जाएंगे, उस नंबर सिस्टम्स को हम लोग डिवाइड करते जाएंगे, मतलब रियल पार्ट को और फ्रैक्शन पार्ट को मल्टीप्लाई कर जाते हैं। तो दूसरा देख लेता हूं मैं इसी में, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे, सेकंड डेसिमल टू ऑक्टल। तो डेसिमल टू ऑक्टल में क्या करेंगे हम लोग, डेसिमल टू ऑक्टल के केस में, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू ही देख लेते हैं हम लोग। तो एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं 387, और इसमें भी एक फ्रैक्शन पार्ट ले लेते हैं 0.38, ये बेस 10, और इसको कन्वर्ट करना है हमें ऑक्टल यानी कि बेस 8 में। ओके, सॉल्यूशन एज वी नो, जैसे हम अब जस्ट अभी अभी हमने पढ़ा, जो इसका रियल पार्ट है यानी कि 387 में हम डिवाइड करेंगे 8 से, क्योंकि जो दूसरे नंबर सिस्टम जिसमें मुझे कन्वर्ट करना है उसका बेस क्या है, 8 है। तो इस तरीके से हमने ये किया और इसमें 8 से डिवाइड कर दिया। अब 8 से हमें पता है कि ऊपर यहाँ पे क्या होता है, रिमाइंडर रखते हैं, है ना, ये रिमाइंडर। तो अब 8 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 × 4 = 32, एंड ये 7 है तो 8 यानी कि 64, तो ये आ जाएगा 4 एंड 8 टाइम्स में जाएगा, और इसका रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे 3। फिर 8 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे कितने टाइम्स में जाएगा, 6 टाइम में, और रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अब ये 6 8 से कम है तो अब इसके फर्दर डिवीजन नहीं हो पाएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड में, और ये ही जो हो गया 6 टू लेके यहाँ तक, ये हो गया आपका मतलब रियल पार्ट का आंसर, यानी कि ये हो गया 6
0-3 पॉइंट के बाद हम बात करेंगे। तो ये आपका रियल पार्ट का हो गया। अब आते हैं फ्रैक्शन पार्ट का। तो हमने क्या बोला था, इसको क्या करना है मुझे, फ्रैक्शन इनटू बेस। तो फ्रैक्शन इनटू बेस इज इक्वल टू रियल पॉइंट फ्रैक्शन। ये दो पार्ट में आएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रियल पार्ट क्या है इसका, फ्रैक्शन पार्ट पॉइंट, और इनटू बेस कितना है, 0.38 इनटू बेस है 8। सो 0.38 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3.04। तो रियल पार्ट हो गया 3.04। तब ये फिर 04 को, 0.04 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से, कितना आएगा 0.32। अब ये 0.3 को, यानी कि 0.32 जो फ्रैक्शन पार्ट है, 0.32 इनटू फिर 8 बेस, तो 0.32 इनटू 8 करेंगे कितना आएगा 2.56। फिर 0.56 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 4.48। तो इस तरीके से आप चार हमने पार्ट कर लिया। अब आगे जब तक कि जीरो हो जाए उस हम जनरली करते हैं, लेकिन चार हमारा मल्टीप्लीकेशन सफिशियंट है। तो बस यहाँ यहीं तक हमें स्टॉप कर देंगे। और ये ऊपर से नीचे साइड में, यानी कि टॉप टू बॉटम में जो वैल्यू होगी 3024, यानी कि रियल पार्ट की ये जो वैल्यू होगी यहाँ पे इस क्रम में, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, यानी कि दैट इज योर आंसर इज 3024। अब इसके बाद हम चलते हैं थर्ड कन्वर्जन, लास्ट कन्वर्जन ये कह सकते हो कि अब डेसिमल, अब आप सीख चुके होंगे किसको किस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल, ओके, यानी कि 16 बेस से 16 बेस में। तो लेट अस सी एन एग्जांपल, इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो ये मान लीजिए हमने दिया हुआ 987.35, यानी कि 987.35, और ये बेस 10 है, और हमें कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट करना है बेस 16 में। तो पहला जो 987 है, क्या करेंगे हम, सबसे पहले सॉल्यूशन में सबसे पहले 987 को, यानी कि 987 को डिवाइड करेंगे 16 से, और इसका रिमाइंडर जो है वो रख देंगे हम यहाँ पे। तो अब 916 को 987 16, आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या छोटे नंबर्स को आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, 16 को अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 16 into 6, और फिर ये बचा यहाँ पे 1 आएगा, यानी कि 61 टाइम्स में जाएगा, और रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 11। और फिर अगर मैं 16 से इसको डिवाइड करूँ तो 4 टाइम्स में नहीं, कितने टाइम्स में जाएगा, जस्ट अ मिनट, आई विल चेक इट आउट। 987 डिवाइड कर रहे हैं ना हम लोग, हाँ, 3 टाइम्स में, क्योंकि 48 चार टाइम्स में लेके जाएंगे तो 64 हो जाएगा, जो बड़ा हो जाएगा, तो 3 टाइम्स में ये हो जाएगा 48, और इसको हम 48 को इसमें 61 में सबट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 13। अब ये क्योंकि 3 अब छोटा हो गया, तो ये हम इसी को यहीं पर रख देंगे 3, 13, 11। लेकिन अंतर क्या है कि ये 3, 13 जो 11 है, 3, 13, 11, ये कम्प्लीटली डेसिमल सिंबल्स में नहीं है। तो 3 तो एज इट इज है, 3 तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो 3 को हम एज इट रखेंगे। 13 को क्या रखते हैं, देखो 9 के बाद 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी एंड 13 को डी। तो 13 जगह पे हम क्या रख देंगे, डी, और फिर 11 के लिए 9 के बाद 10 को ए और 11 को बी। तो ये हो गया, अभी ये आपका हो गया हेक्साडेसिमल नंबर, यानी कि 3DB, ये रियल पार्ट के लिए। अब हम आते हैं अगेन फ्रैक्शन पार्ट के लिए। तो फ्रैक्शन पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन ऑफ 0.35 है, 0.35 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, क्या आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 5.60। अब ये जो 0.60 है, फिर मल्टीप्लाई होगा किससे, 0.60 into 16, ये कितना आ जाएगा 9.60। अभी फिर 60 किससे मल्टीप्लाई होगा, अब देखिए ये 60 कांस्टेंट आ रहा है, तो 60 को कितना मल्टीप्लाई करते जाओगे तो यही वैल्यू बार बार रिपीट होगी। तो इस वजह से हमें कितना भी करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, इस वजह से हम 3 या 4 डिजिट तक में हम इसको छोड़ सकते हैं। ये आ गया जो रियल पार्ट 599।
3 dB.599 ये हो गया आपका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्टर। तो इस तरीके से कोई भी आपको अगर नंबर दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, रियल पार्ट को डिवाइड करना है एंड फ्रैक्शन पार्ट को कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन करना है सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट का। तो दिस इज ऑल अबाउट किसी भी नंबर सिस्टम कन्वर्जन करना है अगर डेसिमल से। तो अब तो एक पार्ट हो गया कि किसी नंबर्स मतलब डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा। लेकिन अगर अपोजिट मैं करूं आपको, यानी कि एनी नंबर सिस्टम सेकेंड नंबर, एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल, एनी नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम टू डेसिमल, कि अगर किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे। ओके तो इसके लिए क्या होता है, एक सिंपल सा हम पैटर्न को फॉलो करते हैं और उस पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, लेट मी राइट डाउन इन सिंपल वर्ड, आई मीन आई ट्राई टू मेक यू एक्सप्लेन अगर समझ में आता है। तो क्या है कि हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई ईच डिजिट ऑफ गिवन नंबर बाय बाय इट्स बेस विथ पावर एन, मतलब कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई बाय आर टू द पावर एन, यानी कि सिंपल में मल्टीप्लाई बाय आर टू द पावर एन, जहां पे कि आर इज नथिंग बट हो गया रेडिक्स या बेस और एन इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो, ये वेरी करेगा 0, 1, 2, 3, 4 डिपेंड करेगा कि कितने नंबर को हमें कन्वर्ट करना है। जैसे एग्जांपल के लिए सबसे पहले एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है वो यहाँ पे दूर हो जाए। तो सबसे पहला फर्स्ट वन कि अगर मुझे बाइनरी, क्योंकि डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल से डेसिमल में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अब बाइनरी टू डेसिमल, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होना चाहिए 0, 1, 2 मतलब 0, 1 सिर्फ। तो अगर ये एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें एग्जाम्पल नंबर ए, एक बाइनरी नंबर है 101110.10, तो अब ये जो नंबर है इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में, बेस 10 में। तो जो भी यानी कि मल्टीप्लाई इच डिजिट विथ इट्स बेस का पावर, कैसे, तो अब ये बेस का पावर कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखो पॉइंट और ये इधर, तो यहां से जो भी नंबर होंगे तो हम काउंट कर लें कितने नंबर है जीरो से, सिंपल वर्ड में जीरो से हम नंबर काउंट कर लें कितने नंबर होंगे जीरो से अगर हम काउंट करेंगे। तो लेट अस सी, ये नंबर अगर मैं ऐसे काउंटिंग करूं तो ये हो जाएगा 0, ये 1, ये 2, ये 3 और 4, टोटल 4, मतलब 0 से लेके 4 तक नंबर है। और पॉइंट के बाद के नंबर को निगेटिव में काउंट करते हैं, यानी कि 0 के पहले -1, -2, ठीक है। तो अब यानी कि ये 2 के पावर से मल्टीप्लाई होते जाएंगे सारे नंबर, यानी कि देखो किस तरीके से, पहला ये डिजिट, हाँ ये देखिए फर्स्ट, ये हो जाएगा 1 × 2⁴ प्लस सेकेंड 0 वाला 0 को फिर 2⁴, तो 0 को हम मतलब 0 × 2�³ प्लस थर्ड नंबर 1 × 2⁪ प्लस फोर्थ नंबर 1 × 2⁵, यानी कि 1 × 2⁵ और फिर इसके बाद लास्ट में कहता 0 + 0 × 2⁰। तो ये हो गया यहां से यहां तक का पार्ट, इसके बाद ये पॉइंट के बाद का जो पार्ट होगा प्लस, फिर अब ये इस यहाँ पे क्या 1 है, तो 1 × 2⁻¹ प्लस 0 × 2⁻²। तो ये पूरा नंबर कन्वर्जन सिस्टम हो गया। तो अब ये देख लेते हैं 2⁴ का मतलब क्या हो गया 16 प्लस ये 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये 2⁴ का मतलब क्या हो गया 4, ये 2⁵ का मतलब क्या हो गया 2 और × 1 यानी कि 2 प्लस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी डिजिट को तो 0 आ जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2⁻¹ यानी कि 1/2 प्लस ये हो जाएगा 0, ये टोटल नंबर सिस्टम। अब जस्ट आप किसी भी तरीके से इसको ऐड कर दीजिए, हो गया आंसर। तो 16 + 4 = 20 + 2 = 22 यानी कि 22
और ये 1/2 कितना आएगा, 0.5, दिस इज योर आंसर। अंडरस्टैंड? अब अगर इसमें कंफ्यूजन है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 101.10 बेस 2 था, तो अब क्या करेंगे, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, यहां पे 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, आप पहले से लिख सकते हो। लेकिन क्योंकि कॉम्प्लिकेशन यानी कि यहाँ पे रखने में ज्यादा दिक्कत ना हो, हौचपौच ना हो, इस वजह से सिर्फ हम 0, 1, 2, 3 रखते हैं और बेस के पावर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। गॉट इट? तो दिस इज सिंपल कि आपको बेस के पावर से, जैसे हम लोग इकाई दहाई वाला करते थे 10 to the power 0, फिर 10 to the power 1, यानी कि 0 पहले 1 से, फिर 10 से, फिर 100 से, फिर 1000 से, फिर इस तरीके से, तो उसी तरीके से यहाँ भी 2 के पावर से, 2 to the power 0 से, 2 to the power 1 से, 2 to the power 2 से, 2 to the power 3 से हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। किसी किसी केस में आपको इस तरीके से बताया जाता है कि इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए सिंपल वर्ड में, अगर एक और तरीका है जो भी आपको आसान लगे वो अप्लाई कर सकते हो, 110.10। तो ये क्या होगा, अब यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन से ऊपर दिखा दे रहा हूँ, 2 to the power 0 कितना हो जाएगा 1, 2 to the power 1 कितना हो जाएगा 2, 1, 2, 4, 8, 16, और यहाँ पे 2 to the power 1 का मतलब क्या हो गया 1/2, है ना, ये 1/2, फिर 1/4, इस तरीके से मल्टीप्लाई। तो अब ये इस साइड वाले पार्ट इधर मल्टीप्लाई करें, यानी कि 16 into 1 प्लस 0 into 8 प्लस 1 into 4 प्लस 1 into 2, यानी कि आप ये जो 2 to the power था उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। तो दोनों में से जो भी आपको आसान लगे, जो भी, बट मेन कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल एक ही है कि आपके इसके बेस के पावर से इसके हर एक डिजिट को मल्टीप्लाई करते जाना है। अब जैसे एग्जांपल के लिए सेकंड एग्जांपल देख लें, एग्जांपल नंबर यानी कि सेकंड 2, अब हमें क्या करना है, बाइनरी से होते हो गया ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल। सो ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कोई एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं हमें। मान लीजिए कि मेरे पास जो नंबर है ऑक्टल नंबर सिस्टम वो है, आई टेक वन एग्जांपल फर्स्ट, लाइक 475.25, लेट्स सी 475.25, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जस्ट मैं एक बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है, इसे आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, लेट्स सी हियर, अब ये जो नंबर सिस्टम है यहाँ पे थोड़ा सा लिख देंगे इस तरीके से सॉल्यूशन में, 475.25, इसका बेस क्या है 8, तो ये 8 to the power 0, 8 to the power से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 0, ये 1 और 2 तक जाएगा, इधर -1 and -2 होगा, और किससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे 8 से, 8 के बेस, यानी कि अब अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूँ यहाँ पे, तो ये हो गया 8 into, यहाँ पे देखिए ये, तो पहले 4 जो डिजिट है उसको देखते हैं, 4 into 8 to the power 2 प्लस 7 into 8 to the power 1 प्लस 5 into 8 to the power 0, फिर प्लस, अब यहाँ पे -1, 2, देखिए ये इस डिजिट को इसके पावर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 into 8 to the power -1 प्लस 5 into 8 to the power -2, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना आपको, यानी कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये नंबर जो आएगा, ये देखें 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 8 into 8 64, यानी कि 4 into 64 प्लस 56 प्लस ये 8 to the power 0, यानी कि 1 आ जाएगा, यानी कि 5 प्लस 2 divided by 8 हो जाएगा ये, और ये 5 divided by 8 का स्क्वायर यानी कि 64। अब आप सिंपल कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो या नॉर्मल तरीके से भी ऐड कर सकते हो, सो इफ यू ऐड दिस यू विल गेट दैट आंसर इज इक्वल टू 317.328, ओके, और कुछ 125, तो इतना ही काफी है, मैं इतना ही रख दिया हमने, यानी कि 317.328, अंडरस्टैंड, यानी कि सिर्फ जो भी बेस होगा, जिस मतलब ऑक्टल से डेसिमल तो कॉमन है सब में, तो जो भी बेस होगा जिससे हमें कन्वर्जन करना है, उसके बेस के पावर से हर एक डिजिट को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे।
the last one is hexadecimal to decimal. यानी कि थर्ड एग्जाम्पल देख लें कि hexadecimal to decimal. Hexadecimal to decimal. तो इसमें भी हमें क्या करना है, मुझे कि सेम प्रोसेस को फॉलो करना है. अंतर क्या है कि 16 के पावर से हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जैसे एक एग्जांपल कि 982.1A बेस 16 को मुझे कन्वर्ट करना है बेस 10 में. ओके, सॉल्यूशन. इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई नंबर 9 से ज्यादा है तो उसको हम नंबर डेसिमल काउंटिंग में उसको रख देंगे. जैसे यहाँ पे तो 982 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे 1A है तो 1 को हम एज इज रखेंगे और A की जगह पे 9 के बाद 10 को हम A कहते हैं, तो 10 को हम एक साथ रखेंगे. अंडरस्टैंड, ये 10 एक साथ रहेगा, ये 1, 2, 8, 9 और इसके फिर जो पावर जो होंगे वो सिंबॉलिक तौर पे हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे. यानी कि 0, 1, 2, 8 to the power 0, 16 to the power 1, 16 to the power 2 और ये हो जाएगा -1 और ये -2. तो लेट अस स्टार्ट मल्टीप्लाई करना करते हैं हम लोग इसको. जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर बनेगा 9 से 16 का पावर 2, यानी कि 9 into 16 to the power 2 प्लस सेकेंड डिजिट क्या है 8. यानी कि हम किधर से कर रहे हैं, लास्ट से पहले की तरफ आ रहे हैं. क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें मल्टीप्लीकेशन या स्पेस में आसानी होगी. अगर इधर से हम करेंगे तो थोड़ा स्पेस की दिक्कत आ जाएगी, इसलिए यहाँ से चलेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ. तो इंटू 8 into 16 to the power 1 फिर थर्ड प्लस 2 into 16 to the power 0 और फिर प्लस, अब माइनस में आएगा यहाँ पे पूरा. तो ये डिजिट क्या है, 1 into 16 to the power -1 प्लस 10 यहाँ पे, क्योंकि दोनों के एक साथ रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने A के बदले में लिखा था ना. तो 10 into 16 to the power -2. नाउ यू कैन यूज योर कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर या फिर मैनुअल कैलकुलेशंस, और इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं. यानी कि 9 into 256 प्लस 8 into 16 प्लस 2 into 1 यानी कि 2 प्लस 1/16 प्लस 10/256 16 का स्क्वायर. अब इन सबको हम अगर ऐड करते हैं तो जो हमें वैल्यू मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए मुझे 2482.1015. सो जस्ट ये हो गया आपका वैल्यू 2482.1015. ओके, यानी कि अब याद या अब यहां पे मैं थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर किसी भी नंबर सिस्टम से, देखो यहां पे किसी भी नंबर सिस्टम से, कोई नंबर सिस्टम है, अगर उससे आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है आपको, इस एक्स के बेस का, यानी एक्स मतलब बेस हो गया, इसके पावर से टू द पावर 0, टू द पावर 1, टू द पावर 1 या 2 जो भी हो, और हर एक डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे 10 में आ जाएगा. अब अगर कोई नंबर सिस्टम 10 में है और उसको अगर आपको एक्स में किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम गिवन रहेगा उसको लॉन्ग डिवीजन से हम क्या करेंगे, बाय एक्स से डिवाइड कर देंगे. नाउ अगर, यानी कि अगर ये सिर्फ आपको दो चीजें पता है कि किसी भी नंबर से डेसिमल और डेसिमल से किसी भी नंबर में, तो आप कोई भी कन्वर्जन कर सकते हैं, कोई भी कन्वर्जन. आप जैसे एग्जाम्पल दिखाइए, देखिए अगर मान लीजिए कि आपको पूछा गया कि एक्स नंबर सिस्टम से वाई नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, या एग्जाम्पल के लिए 3 नंबर सिस्टम से 4 नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, जबकि दोनों आपके लिए अननोन है कि भाई 3 और 4 क्या करेंगे. तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3 नंबर सिस्टम से, यानी कि ये 3 नंबर सिस्टम से कर लेंगे 10 नंबर सिस्टम में. तो किसी भी नंबर से 10 नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है मुझे, इसके बेस 3 के पावर से हर एक डिजिट में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो इससे निकल जाएगा 10 नंबर सिस्टम. अब जब 10 नंबर सिस्टम आ गया इस 3 का, तो इस 10 नंबर सिस्टम से क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड कर देंगे लॉन्ग डिविजन मेथड से. अब बाई किसके क्या चाहिए मुझे, 4 से, ये मिल जाएगा मुझे 3 to 4 नंबर कन्वर्जन नंबर सिस्टम. अंडरस्टैंड, यानी कि किसी भी नंबर सिस्टम से अगर दो स्टेप्स आप फॉलो करते हैं कि किसी भी नंबर सिस्टम से
डेसिमल में या डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, तो क्या होगा, हम उसको इजीली जो है इस मेथड का, इन दोनों मेथड का फॉलो करके कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो रिमेनिंग बच रहा है उसके भी हर एक डिजिट का अपना अलग अलग ये होता है। तो लेकिन इन दोनों के बेस पे, इन दोनों को जो हमने अभी पढ़ा है उसके आधार पे कुछ और नंबर सिस्टम का कन्वर्जन हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ताकि डायरेक्टली ये तो हमें एक तरीके से ब्रह्मास्त्र मिल गया कि किसी भी नंबर से किसी भी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए तो उसके भी तरीके हैं। यानी कि तीसरा नंबर कि अगर मुझे डेसिमल, मतलब अब बाइनरी की तरफ चलते हैं कि बाइनरी से, बाइनरी नंबर सिस्टम से बाइनरी टू अगर मुझे ऑक्टल या हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे। तो इसका एक देखो तरीका तो ये हो गया कि बाइनरी से पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर दो और डेसिमल से ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, ये तो मतलब कंफर्म है। लेकिन इससे भी आसान तरीका है जो हम लोग इसको अप्लाई करेंगे सॉल्यूशंस में, क्या है भाई, पहले फर्स्ट बाइनरी टू ऑक्टल देखते हैं। बाइनरी टू ऑक्टल, तो बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम्स के लिए हम लेंगे एक एग्जांपल, एक यहाँ पे। और जैसे एग्जांपल बाइनरी से ऑक्टल का एक एग्जांपल देखते हैं, क्या एग्जांपल होगा, कोई भी एक एग्जांपल जो थोड़ा सा हम सॉल्व कर पाए, लेट अस सी। तो पहले बाइनरी नंबर रखें 100101 पॉइंट, दोनों मैं फ्रैक्शन वाला भी पार्ट रखता हूँ, 1010 इस तरीके से। तो ये नंबर सिस्टम है बाइनरी, इसको मुझे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, ऑक्टल मतलब बेस एट। तो मुझे क्या करना है, क्योंकि बेस एट जो है वो 2^3 को डिपेंड ये करता है, 2^3, तो 2^3 का मतलब मुझे 3 के पेयर में इन सारे बाइनरी नंबर्स को मुझे पेयरिंग कर देनी है। यानी कि कहां से पेयरिंग करनी, इस पॉइंट से, तो पॉइंट से इस साइड में, यानी कि कह सकते हो कि राइट से लेफ्ट की तरफ, या LSB से MSB, यानी कि तीन नंबर सिस्टम इधर पॉइंट के पहले, फिर ये तीन यानी कि दो हो गया, और इधर पॉइंट के बाद फिर अपोजिट चलते हैं ऐसे। रिमेनिंग जो जीरो बच गया ये एक है, ये अब इसके बाद भी हम तीन अलग से नंबर जोड़ देंगे, यानी कि ये जो नंबरिंग सिस्टम होगी कुछ इस तरीके से होगा 3। अब ये हमें पता है कि इनका बाइनरी इक्विवेलेंट जो है, इन बाइनरी का डेसिमल इक्विवेलेंट यहां रख देंगे। अब बताइए 100 किसके बराबर हो गया। अगर आपको नहीं, ये भी नहीं पता है, तो सिंपल जो मेथड बताया था मैंने वो अप्लाई कर दीजिए, यानी कि 1 2 4 इसके ऊपर लिख दीजिए, यहां भी 1 2 4 इसके ऊपर हो गया, यहां भी लिख दीजिए, इधर से हम चल रहे हैं 4 2 1 और इधर तो 0 है, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये किसके किसके सामने 1 है, 4 के सामने और 1 के सामने, तो किसके बराबर हो गया, ये 5 के, और ये किसके सामने, सिर्फ 4 के सामने, तो कितना कितना हो गया, ये नंबर 4 हो गया। अब पॉइंट ये इधर 101, ये 4 और ये +1 5, यानी कि जिसके सामने 1 है, जिस भी डिजिट के सामने, उसको हम ऐड कर देंगे, तो 4 + 1 कितना हो गया 5, और 0 तो हमें एज इट इज सही। तो इसका मतलब है कि इसका मुझे आंसर क्या मिल गया, 45.50, got it। उसी तरीके से अगर मैं सेकेंड, यानी कि तो पहला हो गया बाइनरी टू ऑक्टल, अगर आपको इसी ड्यूरेशन में आपको मिल जाए कि नहीं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कीजिए, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ओके, सो क्या करेंगे आप बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के लिए, यही मेथड फॉलो करेंगे, बस डिफरेंस क्या होगा कि हम इस मेथड, यानी कि ले लीजिए सेम डिजिट को 100101.1010, ठीक है, और ये डेसिमल बाइनरी नंबर है, इसको आपको कन्वर्ट करना है 16 नंबर सिस्टम में। तो अब इस जो गिवन डिजिट है, मैं यहाँ पे सेपरेटली लिख रहा हूँ, यहाँ पे 1 थोड़ा सा दूर दूर करके 001011.1 इधर रखता हूँ 1010। अब इस नंबर को अब हमें क्या करनी, 4 की पेयरिंग करनी है, क्यों, क्योंकि 16 नथिंग बट किसके बराबर होगा 2^4 के, ये 4 की पेयरिंग करनी है। अब यहाँ से पॉइंट से LSB से 4 की पेयरिंग कर दीजिए, और फिर यहाँ पे बस 2 ही बचा, देखो यहाँ पे ये 4 की आपने पेयर कर दिया यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये जो रिमेनिंग 2 बचा इसके पहले आप 20 ऐड कर देंगे, दैट्स इट, कोई अंतर नंबर में फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालने के लिए
पहले मैं इसको भी कर दूं, ये इधर अपॉइंट के बाद हम बाइनरी का इधर करेंगे, है ना। तो अगर हम इसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए 1 2 4 8 चार है, यहां भी 1 2 4 8, यानी कि मैंने क्या किया, ये इस सारे डिजिट के सामने जो हमारा ऑप्शन था 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4 का, वो यहाँ पर रखते गए। यहाँ भी हो जाएगा 8 4 2 1। अब जो जो जिस नंबर के सामने है उसको हम लोग यहाँ पे ये करते जाएंगे। तो चलिए देखता हूँ, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं तो यहाँ देखता हूँ मैं। यहाँ पे क्या है, पहली वाले ये डिजिट देखते हैं सबसे फर्स्ट। तो सिर्फ यहाँ पे 2 के सामने 1 है तो ये बन जाएगा 2, पहली डिजिट ये बन जाएगी 2। अब सेकेंड 1 0 1 0 1, ये डिजिट 8 के सामने 0, 4 के सामने 1 और 1 के सामने 1, तो कितना हो गया 5। पॉइंट अब देखिए यहाँ पे ये 8 के सामने 1 तो 8, 0 2 तो 8 और 2 कितना हो गया 10, तो ये बन गया 10, 25.10। लेकिन क्योंकि 10 को 10 को हम लोग इसमें कैसे रखते हैं 10 को, तो 25 तो एज इट इज है, लेकिन 10 की जगह पे 9 के बाद क्या लिखते हैं a, तो ये जो नंबर हमारा फाइनल बना वो क्या बना 25.a। क्योंकि आपको पता होगा 9 के बाद जो हम 10 रखते हैं 10 11 12 13 14 15, तो 10 इक्विवेलेंट टू a, 11 इक्विवेलेंट टू b, 12 इक्विवेलेंट टू c, 13 इक्विवेलेंट टू d, 14 इक्विवेलेंट टू e एंड 15 इक्विवेलेंट टू f होता है, किसमें, हेक्साडेसिमल में। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या किया, हेक्साडेसिमल नंबर रख दिया। यानी कि बड़ा आसान है कि अगर आपको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल या डेसिमल में करना है, ऑक्टल में करना है, तो क्या करेंगे उसके इक्विवेलेंट यानी कि उसके बराबर बदले में 3-3 की पेयरिंग ऑक्टल के लिए और 4 की पेयरिंग, 4 डिजिट्स की पेयरिंग डेसिमल के लिए कर देंगे। अब उसके जस्ट अपोजिट अगर हम करें, यानी कि ऑक्टल, अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम दिया है एंड हेक्साडेसिमल दिया हुआ है और उससे आपको पूछा जाए कि बाइनरी में कीजिए, जस्ट उल्टा टू बाइनरी, क्या करेंगे। देखो इसका पहला तरीका तो एक चीज हो गया कि ऑक्टल या डेसिमल को आप हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर दो और डेसिमल को बाइनरी में, एक तो जो ब्रह्मास्त्र हमने सीखा वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन अदर हमें क्या लगेगा पहले देख लेते हैं, ऑक्टल टू बाइनरी, सिंपल। सो ऑक्टल टू बाइनरी के लिए हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं, ये कोई ऑक्टल नंबर सिस्टम है 375.52 और बेस 8 है, इसे मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी बेस 2 में। तो क्या करेंगे, जितने भी नंबर हैं, जितने भी नंबर दिया हुआ वो सब का बाइनरी इक्विवेलेंट यानी कि बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे, यानी कि 5 के लिए बाइनरी क्या होगा 7 का बाइनरी क्या होगा 3-3 के पेयर में, मतलब पेयर ऑफ 3। जैसे अब यहां पे लिखता हूं मैं 3 के लिए, तो मैं पहले एक काम करूं 3-3 के पेयर के लिए मैं यहां से लिख देता हूं 1 2 4, 3 के पेयर के लिए, फिर 1 2 4, ये भी 3 के पेयर के, 3 डिजिट है मेरे पास, तो 1 2 4। अगर आपको आता है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, अगर आप नहीं डायरेक्टली कर पाते हैं तो ये आपके लिए सही तरीका है। फिर 5 के लिए भी 4 2 1 और फिर 2 के लिए भी 4 2 1, इस तरीके से अब लिखते हैं। अब मुझे 5, तो 5 किसको किसको ऐड करेंगे तो 5 आएगा मुझे, देखिए आप यहाँ पे, तो 4 + 1 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा और रिमेनिंग ये 0 बन जाएगा। 7 के लिए 4 + 2 6 और 1 7, यानी कि तीनों में अगर 1 रखेंगे तब 7 मिलेगा। और 3 के लिए सिर्फ 2 + 1 को ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा, पहला डिजिट, यानी कि ये हो गया इसका एक बाइनरी। और फिर पॉइंट 5 के लिए, तो 5 के लिए भी क्या करना पड़ेगा मुझे 4 और ये 1, और यहाँ पे 2 के लिए तो सिर्फ 2 के सामने और बाकी 0। तो जो आपका नंबर बना इन सबको कंबाइंड तरीके से लिख दिया, ये हो गया आपका आंसर, यानी कि 0 1 1, फिर 1 1 1, फिर 1 0 1 point 1 0 1, और ये क्या है 0 1 0, दिस इज योर आंसर। और इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्टल टू, इसी में सॉरी हेक्साडेसिमल टू हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कीजिए, तो अब यही प्रोसेस क्या होगा, बाइनरी में लिखेंगे लेकिन 4-4 के पेयर में, यानी कि मैं नंबर एक कोई एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं, तो नंबर मैंने लिया एक एग्जांपल के तौर पे कि AD9, थोड़ा सा बड़ा जानबूझ के लिया मैंने, AD9 को मुझे कन्वर्ट करना है किसी
यू कैन से इन बाइनरी। तो सबसे पहले क्या है कि ए डी को हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट्स में लिखेंगे। तो ए किसके इक्विवेलेंट होगा, 10 के, क्योंकि 9 के बाद ए इज इक्वल टू 10, डी इज इक्वल टू, काउंट कर लीजिए, 10A, 11B, 12C और 13D। तो D के सामने क्या हो गया, 13, और 9 तो एज इट इज होगा। अब इन तीनों को, पॉइंट के बाद भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इन तीनों को हम क्या करेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो बाइनरी के लिए हमें, क्योंकि चार्ट के पेयर में करना है मुझे, तो क्या करूंगा मैं, 1, 2, 4, 8, इसके लिए 3 डिजिट है, तो फिर 1, 2, 4, 8, इसके लिए भी 13 के लिए, और 9 के लिए भी 8, 4, 2, 1। अब सब में हम इसके बदले में लिखते जाएंगे। तो 10 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किसके किसके सामने 1 रखना पड़ेगा, 8 + 2, 10, रिमेनिंग 0। 13 के लिए 8 और 4, 12, और +1, 13, रिमेनिंग 0। 9 के लिए 8 और 1, 9, और रिमेनिंग 0। ठीक है, तो बस ये जो डिजिट को एक साथ रख दीजिए, दिस इज योर हेक्साडेसिमल नंबर। ओके, सो दिस इज योर, सॉरी, दिस इज योर बाइनरी नंबर। तो ये हेक्साडेसिमल था, हेक्साडेसिमल से हमने बाइनरी में क्या किया, 1010, ये चारों सबको एक साथ लिख दीजिए, 1101 and 1001, दिस बिकम्स योर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, वेरी सिंपल। तो अब आपने ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट कर दिया, अब बस बचा क्या है, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो क्योंकि इन सब में भी एक कॉमन जो फॉर्मूला तो सब में लग ही रहा है, लेकिन यहाँ भी अगर 6 नंबर एंड 7 नंबर की हम बात करें, यहाँ तक क्या था, 4th नंबर, 5th एंड 6th की बात करें, 5th नंबर एंड 6th नंबर, तो क्या है, इसको लिख सकते हैं कि अगर मुझे डायरेक्टली ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है, डेसिमल, एंड यहाँ पे हेक्साडेसिमल टू, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे। तो इसमें हमें करने का सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूं, लेकिन सॉल्यूशन से पहले एक एग्जांपल। तो लेट अस सी एन एग्जांपल कि ऑक्टल नंबर पहले लेते हैं, कोई भी ऑक्टल नंबर है 2, 4, 7, और इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में, 16, यानी कि ये बेस 8 टू बेस 16। क्या करेंगे, सबसे पहला तरीका, फर्स्ट स्टेप, इसको पहले बाइनरी में लिख दीजिए, स्टेप वन, इस पूरे तीन तीन के पेयर में बाइनरी में लिख दीजिए, यानी कि 7, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पहले, ताकि आपको समझने में, या ये 1, 2, 4, कितने डिजिट है, 3, तो 1, 2, 4, फिर 1, 2, 4, फिर 1, 2, 4। ओके, तो ये 2 के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, सिर्फ 2 के सामने 1, 2 के सामने 1, बाकी 0, 4 के लिए सिर्फ 4 के सामने 1, बाकी 0, 7 के लिए तीनों के सामने 1, हो गया। तो ये पहला स्टेप 1 में हो गया कि हम क्या किया हमने, कि ऑक्टल टू बाइनरी कर दिए, ऑक्टल टू बाइनरी। ओके, एंड जो सेकेंड स्टेप होगा, स्टेप टू में इस बाइनरी से हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बट माय पॉइंट, यानी कि अब हेक्साडेसिमल में क्या करना पड़ेगा, इस गिवन नंबर को 4 की पेयरिंग कर दो। तो सारे नंबर को पहले एक साथ रख दें, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1। अब इसको क्या करना है, आपको 4 की पेयरिंग बना देनी है, यानी कि यहां से यहां तक एक 4 की पेयर, फिर यहां से लेके यहां तक एक 4 की पेयर, और रिमेनिंग 0 बचा, तो 0 से पहले आप कितना भी 0 रखोगे तो उतना ही आएगा, लेकिन फिर भी हम दिखा दे रहे हैं। तो अब इसको हमें ये करने के लिए क्या करेंगे, नंबर 1, 2, 4, 8, ये भी 1, 2, 4, 8, और यहाँ भी 1, 2, 4, 8, है ना, तीन तीन के इस चार चार के पेयर में कर दिया। अब देखिए यहाँ पे किन के पास 1 है, तो 4, 2 और 1 के पास, यानी कि ये हो गया 7। यहाँ पे 0, 1, 0, 1, यानी कि 8 और 2 के पास 1 है, यानी कि कितना हो गया, 8 + 2, 10, और ये सारे 0 है, तो ये 0 हो गया, यानी कि 10 और 7। तो 10 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, A, और 7 तो एज इट इज रहेगा, यानी कि क्या बन गया आपका, A7। दो स्टेप में क्या किया आपने, ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू, ऑक्टल टू यहाँ पे बाइनरी और बाइनरी टू आपने हेक्साडेसिमल कर दिया। और यही स्टेप आप यहाँ पे रिपीट करेंगे, यानी कि मैं सेम नंबर ले रहा हूँ, जैसे लिया हमने A और 7, और ये हेक्साडेसिमल है, इसको आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि सेम आना चाहिए 2, 4, 7। लेट अस सी, तो स्टेप वन, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप वन में जो हेक्साडेसिमल है इसको बाइनरी में लिख देंगे,
hexadecimal to binary. Okay, so hexadecimal to binary में लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो given number है ये A और 7, इसको हमें लिखना होगा binary में. तो A को 4 के पॉइंट में लिखें, A के बदले में 10 होगा, तो इसको लिख देते हैं 10 और 7, तो as it is 10 रहेगा, sorry 7. So, अब हम क्या करेंगे, करते क्या है कि इन दोनों के बदले में हम इसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखते हैं 4 के पेयर में. तो 4 के पेयर के लिए क्या बताया था मैं, इस तरीके से 1 2 4 8, और इधर 4 के पेयर के लिए भी 1 2 4 8. ओके, अब सबके सामने 10 के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 और 2 10, रिमेनिंग 0. 7 के लिए 4 2 1, ये 0. ये आपका बन गया हेक्साडेसिमल टू बाइनरी. अब स्टेप टू में जो ये गिवन नंबर है, ये यानी कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल. सो इसको एज इट इज लिखिए, 1 0 1 0 0 1 1 1. अब इसकी 3 की पेयर बना लीजिए, 3 3 का, यानी कि 3 पेयर ये, फिर 3 पेयर ये, और ये 2 का ही पेयर बन रहा है, तो एक हम पीछे 0 रख देंगे. तो अब ये 1 1 1, अब डायरेक्टली आप लोगों को पता चल गया होगा, इतना हम लोग कर चुके हैं बाइनरी, ये तो नहीं है, तो तरीका आपको पता ही है, 1 2 4 1 2 4 1 2 4, ये टोटल हो गया 7. सबसे यहां से स्टार्ट करते हैं, तो ये 0 1 0 हो गया 2, ये 1 0 0 कितना हो गया 4, और ये 1 1 1 कितना हो गया 7, यानी कि आपको जो नंबर मिला 2 4 7, ये ऑक्टल नंबर में, यानी कि बाइनरी टू, मैंने हेक्साडेसिमल लिखा है, सॉरी बाइनरी टू ऑक्टल. तीन तीन के पेयर के लिए मुझे क्या करना है यहाँ पे, ऑक्टल हो गया. तो ये 2 4 7, देखिए क्या एग्जैक्टली सेम आ रहा है ना, जो हमने यहाँ से यहाँ कन्वर्जन किया था. तो ऑलमोस्ट ऑल द बाइनरी नंबर सिस्टम आपने कवर कर लिया, कि अगर किसी भी नंबर सिस्टम से, जिसमें आपको मैंने ब्रह्मास्त्र के तौर पे क्या सिखाया था, यानी कि जो सब पे लागू होगा, फिर से यहाँ पे आपको वेरीफाई करा दे रहा हूं, कि अगर डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम करना है, किसी भी नंबर सिस्टम में, तो क्या करेंगे आप, डिवाइड कर देंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से गिवन नंबर, लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई कर देंगे. और डेसिमल से बाइनरी, किसी भी नंबर सिस्टम से अगर डेसिमल में जाना है, तो क्या करेंगे, उसके बेस से पावर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे. अब इसको देखते हुए आप लोगों को सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूं. तो आपको फाइंड करना है कि determine the value of x. क्या है given numbers भाई, number ये है 211 base x को आपको convert करना है 152, या equivalent है equal to 125 base 8. okay, चलिए बताइए solution कैसे करेंगे इसका, just think of it. तो आपके पास, तो देखो मैं पहले बता चुका हूँ, एक simple सा तरीका है कि अगर दोनों को मुझे बराबर करना है, दोनों को क्यों ना मैं 10 बेस में कन्वर्ट कर लूं, किसी भी नंबर सिस्टम को 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, उसके बेस के पावर से सब में मल्टीप्लाई, सबके डिजिट में मल्टीप्लाई करते जाना है. यानी कि इसका 211 अगर x को मैं 10 के पावर में कन्वर्ट करूं, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 के x से है ना, तो 2 into x का square plus 1 second digit 1 into x का power 1 प्लस थर्ड डिजिट 1 into x का पावर 0, ये हो गया, और ये बेस 10 में, यानी कि जो नंबर बना वो बना 2x² + x + 1 base 10. सिमिलरली ये सेकेंड, यानी कि इक्वल टू के उधर वाला जो नंबर है 152 base 8, इसको भी मैं कर सकता हूं डेसिमल में. क्या करना पड़ेगा, इसके बेस के पावर से सम मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 into 8 का square plus second digit क्या है 5 into 8 के पावर 1 plus पहला सबसे फर्स्ट डिजिट 2 into 8 to the power 0 base 10. क्या हो गया, 64 plus 40 plus 8 to the power 0, तो 1 हो गया, plus 2 base 10, यानी कि we can write this one is 60 or 40 104 plus 2, यानी कि 106 base 10. क्या हम दोनों को equate कर सकते हैं, क्योंकि ये भी base 10 है, ये भी बेस 10 है, इक्वेट आप पहले से भी दिखा हुआ है कि दोनों बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ये जो नंबर ये यानी कि है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 106, और इसको 106 इधर लेके चले आए तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 105 इज इक्वल टू 0, और ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको इजीली आप सॉल्व करेंगे, इसको दो आंसर आएंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव में, लेकिन जो पॉजिटिव में आंसर आएगा वही आपको यहाँ पे लिख देना है 107 का, ये 7 आएगा, आप चेक कर लेना, दिस इज नथिंग बट आंसर। सो इस तरीके से टोटल टाइप के जो नंबर कन्वर्जन सिस्टम्स हैं वो हमने कर लिया। हमने क्या देखा आज की क्लास में, व्हाट इज नंबर सिस्टम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स, और हर एक नंबर सिस्टम को दूसरे किसी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को किसी को भी किसी टॉपिक में डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट करके या फिर मेरे ईमेल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।